यमुनानगर में सड़क हादसे में हुई एक व्यक्ति की मौत। दरअसल फैक्ट्री में पेंटर का काम करने वाले दलजीत नाम का व्यक्ति दोपहर का खाना खाने के लिए साइकिल पर घर जा रहा था कि तभी कमानी चौक पर हरियाणा रोडवेज की बस के पिछले पहिए की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं हादसा होने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एक्सीडेंट करने वाली बस को भी अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बस आई पीछे से टक्कर मारी से गिर गया, बस स्कूटी मर गया। अभी आ रहा भाग्य घबरा गया ट्रक। हादसे में जान गंवाने वाला मृतक दलजीत सिंह पेंटर का काम करता था और शिवपुरी का रहने वाला था और आज फैक्ट्री से दोपहर का खाना खाने के लिए घर जा रहा था कि तभी दूसरी ओर से आ रही हरियाणा रोडवेज की यमुनानगर डिपो की बस की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं पुलिस ने भी मौके पर जांच शुरू कर बस को अपने कब्जे में लेकर पुलिस स्टेशन भेज दिया है। ये हमारे को सूचना मिली कंट्रोल रूम से भी यहाँ पे ना देना बैंक के सामने एक्सीडेंट हो गया, जो मैंने मौके पे देखा कि सिटी के थाने का एरिया, लेकिन मैंने उससे पहले ही मौके पे जो है डेड बॉडी को भिजवा दिया और सारी कार्रवाई जो है ना मौके पे करे। तो यमुनानगर से भी आ चुके हैं। किस चीज के साथ एक्सीडेंट हुआ? ये बस कोई रोडवेज की बस है, अभी देख रहे हैं कि उन्हें कैसे हुआ, उसके हालात तस्दीक कर रहे हैं जैसे भी होगा। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई एक्सीडेंट या एक्सीडेंट की कार्रवाई करेंगे।